वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान आपको ढेर सारी तरक्की दे। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 3:25 बजे के बाद आपकी जिंदगी में होगा बहुत बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, छप्पड़ फाड़ आपके घर पैसों की बारिश होने वाली है, जो कि दोस्तों गिनते गिनते थक जाओगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि दोस्तों कानों में सुना यकीन नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा। वृश्चिक राशि वालों, धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है, जो कि दोस्तों माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन संवरने वाला है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके बिगड़े से भी बिगड़े काम बनने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में दायित्व तो बनता है कि आप इन सभी अवसरों का पहचान करके इनका लाभ उठाएं और इनका सदुपयोग करें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी आपको माला माल बनाने वाली है। बस आपको जरूरत है इन सभी संकेतों को पहचान करने की। साक्षात आपके घर माँ लक्ष्मी पैसों की बारिश करने वाली है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आपने इस वीडियो को अगर अंत तक देख लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी अब आपको कई ऐसे ऐसे संकेत देने वाले हैं जिन्हें पहचानना आपका दायित्व बनता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे माँ लक्ष्मी आज आपको क्या क्या संकेत देने वाले हैं, कौन कौन से कार्य करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से आप मालामाल बनेंगे। दोस्तों पारिवारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, निजी जीवन में व प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव होंगे, आपके दिनचर्या में, आपके लेन देन में कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले माँ लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उन्हें माँ लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपको कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं माँ लक्ष्मी के इन संकेतों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, यदि सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंशी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। और छठा संकेत, देखिए बताया गया है कि ऐसा भी कहा गया है कि सुबह उठते ही अगर आपको शंख की ध्वनि की सुनाई दे और सुबह शाम दोनों समय दे तो समझ लीजिए आपके घर माँ लक्ष्मी आगमन होने वाली है। चलिए दोस्तों अब आगे वीडियो में जानते हैं माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आज आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होने के कारण आप आज किसी को भी उधार देने में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आप किसी मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप कुछ नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। जो लोग जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे काम को कराने की सोच विचार कर रहे थे, उन्हें आज सफलता मिलेगी। पिताजी से आप कोई मदद मांग सकते हैं, जो कि आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए काफी मजबूत रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगी, क्योंकि आपको अच्छे कार्यों से जान पहचान मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और कमाई के आपके सामने कई कई ऐसे अवसर आएंगे जिन्हें देखकर आप भी खुशी के मारे नाचने लगेंगे। आपको एक से अधिक सावधानी आय प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी अपने किसी लक्ष्य को जो है पकड़ कर रखेंगे तो वह कोई अच्छा मुकाम आसानी से पा पाएंगे।
परिवार का कोई सदस्य आज कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपका व आपके कुल का नाम रोशन होगा। साथी दोस्तों, अगर किसी छोटे मोटे व्यापारी किसी लाभ को करने के लिए आप सोच विचार कर रहे थे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लाभ होगा। इसके उपरांत आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने माता पिता की किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर लेकर जा सकती हैं। आपको संतान के लिए भविष्य के लिए धन संचय करने पर भी विचार करना होगा। यदि आप कोई फैसला लें तो परिवार के सदस्यों व जीवन साथी से बातचीत करके लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में आज छोटी मोटी पार्टी का आयोजन होने से पूरे परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। और यदि कोई लेन देन की समस्या आपको परेशान कर रही थी तो वह भी आज समाप्त हो सकती है। अगर आप किसी लोन या फिर कोई पैसे उधार लेने के बारे में सोच रहे थे तो वह आज आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपको बताना चाहेंगे। जो व्यक्ति कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया था तो वहां से उन्हें शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके रोजी रोजगार में वृद्धि लेकर आएगा। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे थोड़ा सा आपको आलस्य होगा, लेकिन दोस्तों आलस्य को आप अपने ऊपर हावी न होने दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर लेन देन के मामले में अभी आपको सावधानी बरतने के लिए रहेगा। व्यापार कर रहे लोग आज लेन देन बहुत ही सावधानी से करें, नहीं तो कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है। सितारे कहते हैं जितना हो सके आज आप सतर्क रहें, सावधान रहें तो आपके लिए उचित रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ रही थी तो आज आपकी समाप्त होंगी और आपको किसी अपने परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी, नहीं तो आज कोई आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई अनएथिकल काम है, जैसे कोई ऐसा दुविधा वाला काम है तो उससे आप दूरी बनाकर रखिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। साथी दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आप अपने वाणी की मधुरता को बनाए रखें। आज आपकी वाणी से आपको ऐसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शांति से गुजरेगा और आपको सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। आपको आवश्यक कार्य के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाना आपके लिए नए कार्यों में सफलता दिलवाएगा। किसी नए वाहन की खरीदारी भी कर सकती हैं। नौकरी से जुड़े लोगों को आज कोई जो है दूसरा अच्छा ऑफर आ सकता है। आपकी जिम्मेदारी बढ़ने से आप परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों आप अपने आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज आप कुछ अपने मित्रों के साथ बातचीत करने में जो है समय को व्यतीत करेंगे, जिससे पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको जो है हमेशा आने वाले समय को सोचना है। बिता हुआ समय को आप उसे ना ही जो उत्पन्न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत कुल मिलाकर प्रसन्नता दिलाने वाला समय रहेगा। आपको अपने पुराने झगड़े से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके ऊपर कोई कुछ कर्ज था तो वह भी काफी हद तक समाप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी रहने से आज प्रत्येक कार्य को आसानी से कर पाएंगे और कार्यों में जोश व जज्बा आपका बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। ऑफिस के जो कार्यरत लोग हैं आपको काफी ज्यादा सम्मान देंगे, मान देंगे। वहीं दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपको देखिए स्क्रीमेट और प्रमोशन भी मिल सकता है और आपकी जो काम देखकर बॉस है, अधिकारी है, काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको अपने ध्यान को कामों में अधिक से अधिक बनाकर रखना होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम आसानी से बनते जाएंगे। जो सोया हुआ नौकरी है तो आपको भी उसमें काफ़ी ज़्यादा जान देखने को मिलेगा। अगर किसी प्रकार की स्थान परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए अभी रुक जाएं, क्योंकि अभी नए में उतना लाभ की संभावना नहीं है। इसलिए आपको सभी अवसरों को जान पहचान करने के बाद उस पर अमल करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा।
दोस्तों, खास उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु जी की पूजा करें, आपके घर धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिल सके। दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।